Assalamu alaikum everyone, welcome to Knowledge Zone. Now today I am going to explain you the first chapter of 7th class, that is integers. Now what are integers? In previous class also we have discussed this integers, okay? Now we will be dealing with detail now. See here, I have written the definition here, integers. The numbers which are having both positive and negative numbers including zero are called integers, okay? See here, we can see an example. This is a number line. Number line. Okay? On a number line, I have written positive number. These are positive numbers, okay? Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. These are negative numbers. Okay? Now, integers, as said you just now, integers कौन से numbers होते हैं? जिसमें आपको plus के numbers भी दिखेंगे और minus के numbers भी दिखेंगे. और उसके साथ साथ including zero भी दिखेंगे आप. Okay? तो आप identify कर सकते हैं कि ये नंबर्स को आप क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, जिसमें प्लस के नंबर्स भी रहेंगे और माइनस के नंबर्स भी इंक्लूड रहेंगे. रिमेंबर दिस वन. नाउ सी हियर इन फर्स्ट बिट, व्हिच इज द बिगेस्ट इंटीजर ऑन नंबर लाइन. ये नंबर लाइन पे कौन सा बिगेस्ट इंटीजर है आपको फाइंड आउट करके आंसर लिखना है. नाउ बिगेस्ट इंटीजर, जैसा कि आप लोग को मालूम है, we have already know that जब नंबर की साइन प्लस हो जाएंगी तो ऑब्वियसली, जैसा कि यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ 9, प्लस 9, और एक नंबर है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर है प्लस 8. Now you can easily say that this is the biggest number. Okay? Now here there is plus 6 number up to plus 6 and up to minus 6. Now, how can we say that this one is biggest or this one is smallest? Both are having the same number. Yes, but remember that the number which is having the positive sign will be the biggest number. Okay? तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? अगर same number है, positive sign है, तो plus 6 greater हो जाएगा. किसे? माइनस सिक्स. ओके, हमेशा माइनस सिक्स नेगेटिव नंबर जो है सो आपको उसकी वैल्यू कम ही रहेगी. तो यहाँ पे बिगेस्ट इंटीजर कौन सा है अपने को नंबर लाइन पे? प्लस सिक्स. यस करेक्ट. ओके, प्लस सिक्स. नाउ व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर? नाउ यू कैन सी दैट नेगेटिव नंबर्स आर देयर हियर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस. ओके, पॉजिटिव नंबर्स तो स्मॉलेस्ट नहीं होंगे यहाँ पे, प्लस वन. जीरो भी स्मॉलेस्ट नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर माइनस सिक्स है यहाँ. तो याद रखिए आप, नेगेटिव में जितना भी बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट. रिमेंबर दिस, माइनस सिक्स क्या होगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा. रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इंटीजर में आपको नेगेटिव साइन आएंगी, जितना भी बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे सिक्स है लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव की वजह से ये नंबर क्या हो जाएंगे? स्मॉलेस्ट. नाउ नेक्स्ट, इज वन बिगर देन माइनस थ्री? Why? See here, plus 1 and minus 3. Just now I've told you, अभी मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे? ये 1 है, ये 3, as you all you can see here. But signs are different. Negative sign will always be the smallest. Okay? यहाँ पे plus sign है, लेकिन digit है 1, फिर भी प्लस की वजह से ये नंबर आपको
bigger हो जाएगा और ये नंबर आपको smaller हो जाएगा. That is the difference of the positive number and negative number. Negative number आ गया आपको, negative sign आ गया आपको, that means positive number ही आपको bigger रहेगा हमेशा. Remember that. तो यहाँ पे plus one is bigger than minus three. Yes, plus one is bigger. Then minus 3. Next, is minus 6 bigger than minus 3? तभी मैंने आपको और क्या बताया था, minus 6 minus 3. 6 अगर आप साइंस को नहीं देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं साइंस नहीं लिखूंगा साइन, तो आपको यहाँ पे क्या देखेंगे, 6 greater है 3 से. But यहाँ पे मैं साइन अगर माइनस की नेगेटिव की लगाया यहाँ पे दोनों साइड, तो जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होने की वजह से छोटा हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो नेगेटिव होने से बड़ा हो जाएगा. रिमेंबर दैट. ओके, इन नेगेटिव इफ बोथ दी नंबर्स आर नेगेटिव, अगर दोनों भी नंबर्स आपको नेगेटिव है तो कैसा आइडेंटिफाई करना आपके दोनों में से कौन सा ग्रेटर है. जो छोटा है नंबर वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाएगा. ओके, so minus 6 is bigger than minus 3. No, minus 3 is bigger than minus 6. Okay, now arrange these numbers in ascending order is smallest to biggest numbers we have to arrange. Now tell me sub mein smallest kaun sa number hai. Yes, correct, kyunki maine abhi kaha tha jo number bigger है but sign उसकी minus है तो आपको ये smallest number हो जाएगा सर. फिर उसके बाद smallest number कौन सा रहेगा आपको, minus two, correct. फिर 0, फिर 4, फिर then 6. Now ये arrange 4, 6, minus 2, 0, minus 4 in descending order. Descending order means biggest to smallest. Biggest number कौन सा है यहाँ पे, always positive number plus 6 is the biggest. Now after that 4, now after that 0, then minus 2 or minus 2 से कौन सा biggest है. Yes, correct, छोटा वाला आपको हमेशा number biggest आएगा, बड़ा number आपको हमेशा smallest है. Okay, got it everyone. This is the introduction part of integer. Hope all of you have understand it. Okay, now we'll continue the exercise in next topic.